हेलो बच्चों, हम व्यंजन सीख रहे हैं ना। तो कई व्यंजन सीख चुके हैं, अभी थोड़े बाकी हैं। तो आज हम व्यंजन सीखेंगे य। क्या सीखेंगे? य। य से क्या होता है? यज्ञ। य से क्या होता है? यज्ञ। य जैसे ट लिखना है, जैसे ये पूरा ट कर दिया, उसके बाद ये बन गया य। य से होता है यतीन, य से होता है यामिन। ये सब नाम है। हाँ, मैं जो बोल रही हूँ ना, वो य से होता है यशस्वी, य से होता है यतीन्द्र, य से होता है यामिन, य से यशवी, य से यशश्री, य से यामिनी, य से यह, य से याद, य से यमुना नदी, य से यम्मी, य से याद, य से यज्ञ, य से यहाँ, य से यति बाबा, य से यमन, य से यमुना, य से याद, य से याचक, य से याचना, य से यात्रा, य से यात्रिक, य से यांत्रिक, य से यश, य से यशवर्धन। तो ये सभी नाम बन गए। अभी हमको देखना है य के नीचे अंडरलाइन करनी है ज य। तो य के ऊपर हम लोग गोला बनाएंगे, उसके बाद है यह। तो यहाँ पर य के नी ऊपर करेंगे गोला, उसके बाद है यति। तो फिर से य के ऊपर करेंगे, उसके बाद है समय। तो य के ऊपर गोला बनाएंगे, उसके बाद है कोयल। तो फिर से य के ऊपर करेंगे। तो ये बन गया हमारा य। जैसे हम लोग गुजराती में लिखते हैं, ठीक उसी तरह से हिंदी में भी य लिखा जाता है। य के ऊपर से बहुत सारे नाम बनते हैं और ये नाम हमको बहुत प्यारे लगते हैं। आपको भी 10 नाम अपनी मर्जी से लिखकर मुझे दिखाना है। ठीक है बच्चों, बाय बाय।